दोस्तों आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, ये जो आईक्यू फोन्स लॉन्च करता है स्पेशली उनका जो नियो सीरीज का होता है दैट इज सुपर डुपर एक्साइटिंग। और उसका रीजन ये है कि वैल्यू फॉर मनी जो कोशेंट होता है इट इज राइट अप देयर। मतलब अगर मैं आईक्यू नियो 7 प्रो के बारे में बात करूं तो इट वॉज चीपेस्ट 8th Gen 1 स्मार्टफोन। ये जो है आईक्यू नियो 9 प्रो ये 8th Gen 2 पे सबसे सस्ता फोन है। इनफैक्ट प्राइस के बारे में ही पहले बात करते हैं, इसका जो बेस वेरियंट है वो 30,000 के करीब आने वाला है। जो भी इससे पास वाला फोन है, जो भी कॉम्पिटिशन है वो 40,000 में मिलता है, ये डायरेक्टली क्लोज टू 30,000 आपको मिल रहा है एंड इट इज एक्साइटिंग। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, बाकी की चीजों के बारे में भी बात करूं तो आईक्यू नियो 9 प्रो जो है ना सीरियसली बहुत एक्साइटिंग है और बहुत अट्रैक्टिव फोन भी है। ये पूरा वीडियो देखिए, अनबॉक्सिंग देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों ये कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड ऐसी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें एक अच्छा फोन चाहिए इन बजट। लेट्स ओपन, नियो लिखा हुआ है, नियो 9, लेट्स ओपन द बॉक्स। वैसे इसमें दो कलर आते हैं, ये जो कलर है फियरी कलर है, जी हाँ इसके बारे में बात करेंगे। आई एम गोइंग टू शो यू exciting. All right, for a change we have slightly smaller camera module, jiya warna bahut bada hota hai aajkal, so decent case hai. Then you have documentation, sim card tool, bada 120 watt ka charger hai, so ye bhi bahut bada highlight hai dosto. Battery bhi badi hai iski, 5160 milliampere hour ki battery hai and USB type C to type C charging cable aati hai, so it is not USB type A to type C, so excellent there. Kuch interesting baatein main batane wala hu storage ke bare mein jo stand out hoti hai aajkal, bahut controversy hai ki dusre phone ko leke, but not with this one. Dual tone color aata hai iske andar, ji ha ye jo hai bahut hi alag dikhega jab haath mein loge aap. You will see it. It's very, very different phone. Vegan leather back आती है दोस्तों, and look at this. Definitely stands out. हाँ, camera module जो है basically दो camera sensors हैं इधर and दो ही cameras हैं. Very versatile, मतलब versatile तो नहीं कहूँगा, functional camera setup करूँगा, वो you know 2 megapixel के वगैरह sensors नहीं है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे. But in hand feel, even with 5160 milliampere hour battery, heavy नहीं लग रहा है. It is on the lighter side. I really don't know यार, ये समझ में नहीं आता है कभी-कभी, but this is 180 नहीं यार, इतना कम नहीं होगा, 190 ग्राम्स कहता हूँ, चलिए 190 ग्राम्स, 191.2 ग्राम्स, सो या आई एम वेरी वेरी नियर, वेरी नाइस. पतला है फोन, इन हैंड फील जबरदस्त है, हाथ में लेते हो, ये जो वेगन लेदर बैक है वो भी डुअल टोन वेगन लेदर बैक है, सही में अच्छी लगती है. और ये नियो की ब्रांडिंग है बहुत ही सटल है, आई लाइक दैट. आईक्यू लिखा हुआ है नीचे बट नियो की ब्रांडिंग है, बट इट्स वेरी सटल, लुक्स ब्यूटिफुल. वैसे स्क्रैच गार्ड आता है, निकालना काम बनता है, आवाज यस लव. वेरी नाइस एज अ फोन, फ्लैट डिस्प्ले है, जी हाँ, परफॉर्मेंस के लिए टॉप नॉच है, गेमिंग के लिए टॉप नॉच है, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन गिरा के देखते हैं, शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का सपोर्ट आता है इसमें, वैसे गिरा देते हैं, 1 2 एंड बूम, नहीं 1 2 एंड 3, नहीं दोस्तों कुछ नहीं, आई एम नॉट वरीड एट ऑल. वैसे आपको बता दूं, वेगन लेदर बैक है ये, डुअल टोन कलर्स हैं, इसमें और एक कलर आता है ब्लैक जो ग्लास बैक के साथ आता है. पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ है, ऊपर वॉल्यूम रॉकर है और ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है. लेट सी द सिम कार्ड ट्रे, देखते हैं, मेरे हिसाब से तो डुअल नैनो सिम कार्ड होगा, एसडी कार्ड स्लॉट तो आई डोंट थिंक सो, लेट्स सी. डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, सबसे पहले फोन को स्टार्ट करते हैं, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं. एक बात बताऊं, जो डिस्प्ले आईक्यू 12 में आता है, जो इसका बड़ा भाई है, फ्लैगशिप लेवल का, वही डिस्प्ले आपको इसमें भी मिलता है, 6.78 इंच का, 1.5K 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 3000 nits पीक ब्राइटनेस आती है इसमें, HDR10+ का सपोर्ट है, और जैसे मैंने कहा शॉर्ट सेंस ग्लास आती है फॉर प्रोटेक्शन. वैसे अगर बेजल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, जस्ट लुक एट दीज बेजल्स एंड चिन, सेम साइज का और बहुत ही पतला है, इमर्सिव डिस्प्ले, और इसीलिए 6.78 इंच का डिस्प्ले होने के बावजूद इट इज क्वाइट कॉम्पैक्ट, मतलब एवरेज हैंड्स भी होंगे आपको ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा. वैसे 144Hz के बारे में बता दूं कि जब आप गेमिंग कर रहे हो तभी 144Hz मिलता है, नॉर्मल सिस्टम में 120Hz तक. ऑलराइट, स्पेसिफिकेशन, इधर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा. इसमें बेस वेरिएंट आता है दोस्तों 8/128 का, देन यू हैव आल्सो 8/256 वेरिएंट, एंड देन यू आल्सो हैव 12/256 GB वेरिएंट, तो
तीन अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। अब दोस्तों 128 जीबी स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो UFS 3.1 स्टोरेज टाइप पे आता है। 256 जीबी वेरिएंट जो है वो आपको UFS 4.0 स्टोरेज टाइप पे आता है। एंड रैम टाइप के बारे में बात करूं तो LPDDR5X रैम टाइप है। और हाँ दोस्तों, अभी अभी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी इसलिए हमने रीड राइट स्पीड जो है ना स्पेशली टेस्ट किए UFS 3.1 वर्सेस UFS 4.0। एंड UFS 4.0 के हमेशा स्पीड्स जो है वो 4000 Mbps के रीड स्पीड्स वगैरह 4000 Mbps 4 Gbps के करीब मिलते हैं। और हम हमेशा टेस्ट करते हैं ये। आई डोंट नो, आई मीन देर वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी, वी डिड नॉट नो, वो सब हो गया, बट दिस वन डेफिनेटली टेस्टेड UFS 4.0। 8th Gen 2 प्रोसेसर है दोस्तों, 5160 mAh की बैटरी है, 120W फास्ट चार्जिंग है, तो स्पेक्स के मामले में लोडेड है। अगर मैं पेपर पे अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं 1.6 million, शायद 8th Gen 2 का जो स्कोर है वन ऑफ द हाइएस्ट मैं कहूंगा फॉर 8th Gen 2, 1.6 मिलियन के ऊपर स्कोर है, विच इज एक्सेलेंट। और सिर्फ स्पेक्स ही नहीं दोस्तों, हमने बहुत सारे टेस्ट भी रन किए। फॉर एग्जाम्पल CPU थ्रॉटल टेस्ट किया हमने, 86% स्कोर आया, विच इज वेरी गुड। जनरली 80% के ऊपर आता है तो हम कहते हैं अच्छा है, 86% इज रियली गुड। वैसे गेमिंग के बारे में दो तीन चीजें मुझे बात करनी है इधर। COD मोबाइल आप 120 FPS पे खेल पाओगे। हमने जेंशिंग इंपैक्ट भी खेला दोस्तों एंड कंसिस्टेंटली आधे घंटे तक 59 FPS के नीचे नहीं गया, 59-60 FPS कंसिस्टेंटली दे रहा था। सो परफॉर्मेंस, स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में बात करूं, एक्सीलेंट आउट देयर। और थर्मल जो है वो चेक में रहने का एक सबसे बड़ा रीजन है, इट हैज गॉट द बिगेस्ट वेपर कूलिंग चेंबर, कुछ 6000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर आता है, 4 zone कूलिंग सिस्टम है। सो इवन जेंशिंग इंपैक्ट, जैसे मैंने कहा दोस्तों जब हम खेल रहे थे 42-43 मैक्स, बस उससे ज्यादा नहीं। Q1 चिपसेट के बारे में बात करूं तो दो तीन चीजें, गेमिंग में दोस्तों अपस्केल करता है, 720p होगा तो 900p पे वो अपस्केल करता है थैंक्स टू दैट Q1 चिप। एंड सिर्फ गेमिंग में ही नहीं, मल्टीमीडिया में अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, प्राइम वीडियो वगैरह देख रहे हो, वो भी वो उसे अपस्केल करता है थैंक्स टू दैट चिप। यू गेट गुड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, स्पेशली वीडियो वॉचिंग वगैरह आप कर रहे हो, वेब सीरीज मूवीज वगैरह देख रहे हो, दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। और हाँ, स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं, सो फ्रॉम मल्टीमीडिया पर्सपेक्टिव, गेमिंग पर्सपेक्टिव, परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, absolutely मतलब no complaints anywhere। अगर complaint तो नहीं कहूंगा दोस्तों, in fact I will say it is actually good, क्योंकि Fanta choice it is subjective, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, Vivo के फोन से IQ के फोन से Fanta choice होता है, so it is subjective, but Android 14 out of the box आता है, Fanta choice 14 है उसके ऊपर। और अपडेट्स के बारे में बात करूं तो 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। लेकिन जो अच्छी बात है, इस टाइम उन्होंने हॉट गेम्स और हॉट एप्स जो हमेशा Fanta choice में दिखते हैं वो इस टाइम नहीं दिख रहे हैं। हाँ, थर्ड पार्टी एप्स थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं है, बट आई एम हैप्पी दैट दे हैव रिमूव्ड दैट हॉट एप्स एंड गेम्स, सो दैट्स गुड। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट सेंसर्स। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, जबरदस्त, नो प्रॉब्लम्स है। ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली 5G सब बैंड सपोर्टेड है, नो प्रॉब्लम्स है, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 है, IR ब्लास्टर भी आता है, सो दैट इज ऑल्सो गुड, NFC इज नॉट देयर। वैसे OS में दोस्तों वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट आता है, 8 लिया तो आपको 8 GB वर्चुअल रैम मिलेगी, 12 लिया तो 12 GB मिलेगी, सो अप टू 24 GB। इसे गेमिंग में बोल दो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फीचर है AI वॉइस गेम चेंजर, ये एक फीचर, बहुत सारे वॉइस पैक्स हैं तो अलग अलग आपका आवाज जो है वो आप चेंज कर पाओगे, सो AI के फीचर्स आ गए अब इसमें। कैमरा के बारे में बात करने वाला, लेकिन उसके पहले क्विकली आपको बता दूं, IP54 का सर्टिफिकेशन आता है, तो डस्ट एंड वाटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट रेजिस्टेंट है, सार वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, कैमरा टू API का वगैरह सपोर्ट है, सो ऑल दोस थिंग्स जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब है। ऑलराइट, अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। यू नो व्हाट, आई डोंट माइंड डुअल कैमराज, मतलब आजकल आते हैं फोन ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमराज हो गए, बट इसमें जो है आपको एक तो प्राइमरी सेंसर 50 MP का मिलता है जो सोनी का IMX920 सेंसर है दोस्तों, एंड OIS को सपोर्ट करता है, सो दैट इज गुड। सेकेंडरी सेंसर जो है 8 MP का अल्ट्रा वाइड आता है, आगे आपको सेंटर पंच होल में 16 MP का सेंसर मिलता है। और ये जो प्राइमरी सेंसर है ना वो Vivo X100 जो उनका फ्लैगशिप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है उसमें जो है वही सेंसर इसमें भी आता है, और बहुत सारी चीजें Vivo X100 से की हुई, मतलब उधर के कैसे फोटोज दिखते हैं X100 के वैसे ही कुछ दिखते हैं, दे आर गुड क्वालिटी फोटोज। अगर मैं शार्पनेस के बारे में बात करूं, कलर्स के बारे में बात करूं, डायनेमिक रेंज के बारे में बात करूं, जी हां, दे आर क्वाइट गुड। बहुत सारे अलग अलग फोटोज हमने निकाले हुए हैं, जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके ओरिजिनल क्वालिटी में देखिएगा। प्राइमरी सेंसर से अगर आप शूट करोगे तो 8K वीडियोस आप निकाल पाओगे, 4K 60 FPS भी निकाल पाओगे, आगे 1080p 30 FPS है, बट हाँ 8K एंड 4K दिया हुआ है पीछे की तरफ, सो दैट इज गुड। एंड OIS जैसे मैंने कहा वो भी है। और दोस्तों अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो स्नैपशॉट, नाइट, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सब जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब चीजें, लॉन्ग एक्सपोजर मोड भी है, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट आपको अगर स्कैन वगैरह करना है वो नेटिव 50 MP का मोड है, सो फीचर्स आर ऑल्सो देयर।
इंटरेस्टिंगली जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसमें कि नाइट लो लाइट जो फोटोग्राफी होती है इतनी अच्छी नहीं होगी, बट बिकॉज इट इज यूजिंग दैट सेंसर लो लाइट में भी इट एक्चुअली सरप्राइज कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, तो लो लाइट परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड। और हाँ, नाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, बता दूँ 4K नाइट वीडियोग्राफी भी है इसके अंदर, तो लो लाइट में नाइट में आप वीडियोज भी अच्छी तरह से निकाल पाओगे, एंड OIS की वजह से डेफिनेटली फायदा होता है। एक चीज है लेकिन, मतलब आगे सेल्फी में अगर 4K देते थे और भी बहुत अच्छा होता था। और दोस्तों सोचिए, विथ IQOO Neo 9 Pro 31-32,000 मैं कह रहा हूँ बेस वेरिएंट, शायद 30,000 के करीब आ जाए, और जो ऊपर वाला वेरिएंट है UFS 4.0 256GB वेरिएंट, वो 8-256 आपको 32-33 के साथ मिलेगा, 35 के करीब आपको जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है 12-256 तक मिलेगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर इस प्राइस पे ये फोन आता है मैं कहूंगा कि इट इज ऑफरिंग अ लॉट मोर। और ऐसे नहीं है कि IQOO के फोन्स है तो सिर्फ परफॉर्मेंस की तरफ फोकस किया हुआ है, एस्थेटिक्स जो है दिखने के लिए भी फोन अच्छा है, कैमरा आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स, यू नो डिसेंट कैमरा सेटअप है, डिस्प्ले अच्छा है, एंड परफॉर्मेंस तो है ही दोस्तों। सो ओवरऑल लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फोन, एंड लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है। जब आप पैसे खर्चा कर रहे हो आपको उससे ज्यादा फोन मिल रहा है, दैट इज फॉर श्योर। वैसे दोस्तों आपको अगर खरीदना है तो अभी 26 फेब तक शायद बहुत सारे ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है 2000 का, एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह करोगे तो एक्स्ट्रा 4000 रुपीज वगैरह आपको मिल रहा है। सो इफेक्टिवली अगर आप खरीदने जाओगे तो शायद और भी कम प्राइस में मिलेगा। जो भी ऑफर्स वगैरह मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, गो चेक इट आउट। जी हाँ दोस्तों, यही है IQOO Neo 9 Pro। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।